नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चन जो लगभग एक या दो क्वेश्चन लगभग हर स्टेट पीसीएस की बात कर लो या जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ कि कौन व्यक्ति क्या है। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे भारत के राष्ट्रपति की। भारत में के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो यह है श्री एम वेंकटे नायडू, यह है 13वें नंबर के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के हैं और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो 13वें नंबर के। ये चीज़ ध्यान रखने, कौन से नंबर पे के हैं। अक्सर जनरली सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इनके नाम तो याद रहते हैं, लेकिन ये कौन से नंबर के हैं ये चीज़ याद नहीं रहती है। तो इन चीज़ को याद रखते हैं। और मैं बताना चाहूँ कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से के मूल निवासी हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब मैं आपको बताना चाहूँगा नीति आयोग क्या है। अब सबसे पहले इसमें नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग जो है, इसका जो पहला नाम था, नीति आयोग चेंज किया हुआ नाम है, लेकिन जो इसका जो नीति आयोग का जो पहला नाम था वो था योजना आयोग, ठीक है। जो योजना आयोग था उसकी जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 2015, याद रखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, ठीक है। और ये जो नीति आयोग का ये उपाध्यक्ष लिखे हुए मैंने, ये हैं हमारे डॉक्टर राजीव कुमार। और अगर इसी चीज़ में हम बात करना चाहें कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री है। तो आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब आते हैं नीति आयोग के CEO। तो नीति आयोग के जो CEO हैं ये हैं श्री अमिताभ कांत। अब ये दो जो क्वेश्चन हैं अक्सर लगभग लगभग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, ये नीति आयोग और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है कौन नहीं है करके। अब आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, तो इसको कैग भी बोलते हैं। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है वो कौन है, तो आपको बताना चाहूँगा ये है आपके श्री राजीव महर्षि। और भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। और इनका मैं पूरा नाम बताना चाहूँ तो ये है आप, इनका जो पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 को, 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया हुआ था। और ये हम कौन से नंबर पे की बात की जाए तो ये हैं आपके 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, ठीक है। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और आप सभी को पता होगा ये जनरली बीजेपी पार्टी के हैं। अब कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में वो हैं सुश्री सुमित्रा महाजन, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लोकसभा है क्या। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं तो सुमित्रा महाजन है। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के ही द्वारा किया जाता है। और जो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है आपको, वो है आपकी 545। और अगर हम इनके कार्यकाल का बात की जाए किया जाए अगर हमें हमें इससे मैं इसमें पूछ बताऊं कि आपको कि जो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं या जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो जान लीजिए इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष, 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं, वो हैं आपके श्री न्यायमूर्ति HL दत्तू। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा ये होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। UPSC के अध्यक्ष, UPSC, अगर मैं इसका पूरा नाम पूछूं तो ये होगा आपका संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है। इनके नाम है प्रोफेसर डेविड आर सिल्मह, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे क्या है, प्रोफेसर डेविड आर सिल्मह, ठीक है। और अगर मैं जो ये UPSC है, UPSC की बात करूँ तो जो UPSC है आपको सबको पता ही होगा, UPSC एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी है, ठीक
ठीक है। तो जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल परीक्षा होगी, भारतीय वन सेवा होगी, या इंजीनियर की जो होती है सेवाएं, या नौसेना आर्मी की भी, CDS, ND, ये सभी कंडक्ट जो कराती है वो आपकी कराती है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं आंडे अजोले हैं। ठीक है, तो अक्सर यूनेस्को के जो अध्यक्ष के बारे में तो नहीं पूछा जाता, लगभग अधिकतर एग्जाम में हम देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो आपका है फ्रांस पेरिस में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, फ्रांस पेरिस में, पेरिस में, सॉरी। भारत के, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो ये आपको पता ही होगा, भारत के जो नौसेना अध्यक्ष है वह एडमिरल सुनील लांबा जी हैं। ठीक है, और भारत के अगला आएगा भारत के थल सेना अध्यक्ष, जो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये नौसेना अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन पे पूछ देता है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है ना, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है, नई नियुक्ति हुई इनकी मुख्य चुनाव आयुक्त की, ये हैं आपके ओम प्रकाश रावत अभी, और जो इनके अभी हाल ही में कब से नियुक्ति है, 23 जनवरी 2018 से ही इन्होंने अपना पदभार संभाला हुआ है। अगर मैं इससे बात करूँ, इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन था, अगर इनसे पहले की बात की तो इनसे पहले था अचल कुमार ज्योति। और आपको एक मुख्य चुनाव आयोग का एक वो बता दूँ, जो चुनाव आयोग होता है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है। ठीक है, जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता ही होता है, और इसके साथ साथ दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो कुल मिला के तीन, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं करेंगे इस चीज़ में। अब आता है RBI का गवर्नर, RBI का गवर्नर, जैसे आपको जो RBI के गवर्नर हैं वो आपके उर्जित पटेल। ठीक है ना, आपको पता ही होगा, ये जनरल सा क्वेश्चन है कि RBI का गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल। और जो अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, EDB का अध्यक्ष, याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियाई विकास, इसके जो फुल फॉर्म होती है एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष है ताके हिको नकाओ। ठीक है, जो ADB का जो अध्यक्ष है वो है ताके हिको नकाओ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज फिलहाल 15 क्वेश्चन की सीरीज लाया था आपके लिए, ये कि इस कौन हमारे देश में कौन किस पद पे है, कौन नहीं, किस में नहीं है, तो इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि कौन है, कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के नहीं हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए आप चाहते हैं कि इस वीडियो आते जल्दी नोटिफिकेशन मिले आपको, तो आप ये बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।